आदाब, मैं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय सुविधा गैलेक्सी अपार्टमेंट। वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है फर्नीचर वर्ल्ड। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर। जीटी रोड और बाईपास सब तरफ से है पास। दीवाने खास दीवाने नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड नर्सिंग। वेलकम टू पायल मल्टी प्लाजा, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर शॉपिंग। संदीप सिंह की याद में दोस्तों ने कल बनपुर में शरबत पिलाया और जरूरतमंदों के दरमियान खाने तकसीम किए और अपने दोस्त की आत्मा की शांति के लिए दुआ की। बॉटल लो पानी का बॉटल। हो गया ना और भी आप पानी पानी
टीएमसी जिला सदर नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के कामयाब ऑपरेशन के लिए टीएमसी माइनॉरिटी जिला कमेटी की जानिब से सैयद महफूजुल हसन की क्यादत में रानीगंज गौसे बंगाला मजार में चादर पोशी की गई। जिला सदर सैयद महफूजुल हसन ने कहा कि नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती आवाम के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, इसलिए आज उनके सेहत के लिए दुआ की गई और चादर पोशी की गई। रानीगंज मजार गौसे बंगाला की दरबार में आए हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों को हम बताना भी चाहते हैं कि आज हमारे पश्चिम बर्धमान जिला के जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती जी का ऑपरेशन होने वाला है, तो इसीलिए आज हम लोग पूरे पश्चिम बर्धमान जिला माइनॉरिटी कमेटी की तरफ से आज हम लोग गौसे बंगाला की दरबार में आए हुए हैं यही दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह ताला जो ऑपरेशन आज होने जा रहा है नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती जो जिस तरीके से आवाम के लिए और ख़ास करके समाज के लिए काम करते हैं, तो आज पूरे पश्चिम बर्धमान जिला की आवाम की तरफ से हम लोग यहाँ पर चादर पोशी का प्रोग्राम किया और हम लोगों ने यही दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और ज़्यादा से ज़्यादा वो आवाम का काम कर सके। इसीलिए आज हमारे जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, वो चाहे पंडेसर से हो, चाहे रानीगंज से हो, चाहे दुर्गापुर से, चाहे अंडाल से, सभी जगह से हमारे जितने भी माइनॉरिटी के ब्लॉक प्रेसिडेंट और हमारे जितने भी कर्मी हैं सभी आज आए हुए हैं और यही हम लोगों ने दुआ मांगी है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे रानीगंज के ताप भाई का और हमारे रानीगंज के चेयरमैन साहब का, बोर्ड चेयरमैन साहब का, बनू हुसैन साहब का, कि उन लोगों ने जो भी यहाँ तैयारियाँ की उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और यही दुआ करते हैं कि हमारा पश्चिम बर्धमान, हमारा मगरबी बंगाल और पूरा हिंदुस्तान अमन और शांति बना हुआ रहे। आज हमने गौसे बंगाला के दरबार में यही दुआ मांगी है। आपका नाम? मेरा नाम सैयद महफूजुल हसन, पश्चिम बर्धमान जिला माइनॉरिटी। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. With a spacious underground and open multi-level parking facility, we are home to the most affordable fashion brand stores, which offers apparels for all sizes and age groups. At Payal Fresh, we get all your grocery requirements covered. And for your hunger, we have multiple mouth-watering food stalls. So what's stopping you? Visit us today at Payal Multi Plaza, near Asansol Railway Station. क्या आप हैं adventurous? तो आसनसोल का famous Panorama Amusement Park है आपका अगला stoppage. Water rides, statue park, ghost house और land games का मजा लेना हो तो Panorama Amusement Park है लोगों की पसंदीदा choice. इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल चितरंजन रोड, आसनसोल। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एटेक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब शहर में है दीवाने खास तो फंक्शंस होंगी और भी बेहतर। ट्रेन, जीटी रोड और बाईपास सब तरफ से है पास दीवाने खास। दीवाने खास को खास बनाती है यहाँ की डिफरेंट फैसिलिटीज। 8500 स्क्वायर फीट एरिया में फैले इस हॉल में ड्रिंकिंग वाटर, पावर बैकअप और 1000 स्क्वायर फीट वाले किचन समेत सारे सामानों की है सहूलियत। 2000 की कैपेसिटी और 250 लोगों के एक बैच में खाने का इंतजाम, एसी रूम्स विद अटैच बाथरूम, 3 entrances, सीसीटीवी कैमरास भी है मौजूद। शादी हो या पार्टी, जरूर करें कांटेक्ट। हमारा पता है रेल पारो की रोड नियर ऑटो स्टैंड, आसनसोल। सर ये
स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी 10 से भी ज्यादा एकड़ में फैले स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी सेपरेट लैब चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। तो आप अगर अपने बच्चों का कराना चाहते हैं एडमिशन एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो चले आइए सिटी मोंटेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बुधा पाइपलाइन रोड कालाझरिया बर्नपुर। मीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड IPD यूनिट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है जैसे इमरजेंसी 24/7 मॉड्यूलर OTs ICU NICU HDU फार्मेसी 24/7 डे केयर यूनिट डायलिसिस यूनिट डेंटल यूनिट डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विद फास्ट फ्रेंडली एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू। हमारा पता है भगत सिंह मोड़ आसनसोल 713304 कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265 9609002666 6295280255। आसनसोल या बर्नपुर के एरिया में आप किसी अच्छे 2BHK या फिर 3BHK की कर रहे हैं खोज तो गैलेक्सी अपार्टमेंट होगा आपके लिए बेस्ट चॉइस। प्रश्न ट्रांसफार्मर रिजर्वर स्टेयर्स लिफ्ट सिक्योरिटी के साथ ही साथ पाए पार्किंग की बेहतर सुविधा गैलेक्सी अपार्टमेंट वी टर्न योर ड्रीम्स इंटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड मार्केट एवं हॉस्पिटल से है ये अपार्टमेंट काफी करीब। तो फिर देर किस बात की आज ही कॉन्टैक्ट करें। हमारा एड्रेस है नियर ASN प्ले स्कूल साउथ सोस्टी नगर स्माइल आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। शोधन का परफॉर्म कर रही है हरमन। बहुत बढ़िया, थैंक यू हरमन। सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच अल्फा ग्रुप के फाउंडर और जिन्होंने इसकी नींव रखी और इसको आगे बनाने की मुहिम चलाई विष्णु सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन को मौका दिया आपके साथ जुड़ के स्पोर्ट्स में हेल्प करने का। यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने भी ऑफिशियल्स हैं जितने भी हमारे कोचेज हैं उन सबको मेरा प्रणाम मेरा नमस्कार। जितने भी पेरेंट्स हैं विशेष रूप से जो अपने बच्चों को यहाँ पर बहुत दूर दूर से कुछ तो बोल रहे कुल्टी चितरंजन रानीगंज दुर्गापुर विभिन्न जिलाओं से भी लोग लेकर आए हैं बच्चों को तो उनको भी मेरा धन्यवाद कि आप अपने बच्चों को सही जगह पर लेकर आए हैं सही स्थान पर लेकर आए हैं और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा रहे हैं। ये आप लोगों के लिए भी ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। उसके बाद मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे बच्चों का हमारे यंग टैलेंट का जो आने वाले समय में ना जाने कितने डिस्ट्रिक्ट ना जाने कितने स्टेट नेशनल और इंटरनेशनल मेडल भी अपने घर के लिए अपने गुरुओं के लिए और सबसे पहले अपने देश के लिए जीतने वाले हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्फा ग्रुप में आप लोग आज इस ट्रेनिंग को ये जो कंपटीशन ये इन्विटेशनल जो कंपटीशन या टूर्नामेंट आप लोग करवा रहे हैं ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा। आने वाले समय में यहाँ से अच्छे बच्चे निकलेंगे। आज हम देख सकते हैं
आधे से ज़्यादा यहाँ पे इनके स्टूडेंट थे, आज वो सब कोचेस बन चुके हैं। कोई BBA कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, कोई खुद का कोचिंग सेंटर चला रहा है, कोई नेशनल करके आ चुका है, कोई साई में ट्रेनिंग कर रहा है, कोई कहीं ट्रेनिंग कर रहा है, कईयों की नौकरी, अभी मुझे पता चला कईयों की नौकरी भी हो चुकी है। तो बचपन से ये सिखाया जाता था, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारी अच्छी नौकरी लगेगी। पर यहाँ पे जितने लोग आपको दिख रहे हैं, इन सब ने खेल से ही नौकरी ली है। तो खेल भी अगर सही डायरेक्शन में, सही तरीके से और पूरी लगन के साथ किया जाए तो उससे भी तरक्की होती है। और मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हम लोग ज़ोरदार तालियां दें हमारे इंडियन क्रिकेट नेशनल टीम के लिए। मैं उदाहरण नहीं दे सकता, 150 करोड़ लोग आज उन 11 के लिए इतने खुश हैं, कई तो रो रहे थे मैंने देखा टीवी पे। क्यों? क्योंकि इमोशन है, खेल से ही होता है। क्योंकि आज मैं देखता हूं भाई भाई के साथ गले मिलने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर विकेट लेता है बुमराह तो सबसे ज्यादा खुश कोहली होता है, जाके उसे गले लगाता है, गोद में उठा लेता है। यह सिर्फ और सिर्फ हमें स्पोर्ट्स सिखाती है, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आने वाले समय में हम हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ें, उनको स्पोर्ट्स सिखाएं और आगे बढ़ने के लिए लेकर आएं। मैं बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी अपने मन में कोई संदेह के कह सकता हूं कि आज अल्फा ग्रेड नॉट ओनली वन कराटे इंस्टीट्यूट बट एक आपके जीवन को उभारने के लिए भी एक इंस्टीट्यूट है। उसका जीता जाता एग्जाम्पल उमेश सर है। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। 2013 से ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ स्कूल गेम्स एंड स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जुड़ के इनका जो योगदान है, वो मैदान में खेलते 11 प्लेयर जो फुटबॉल के उतरते हैं वो बाद में होता है, उससे पहले उनका पेपर वर्क होता है। जी तोड़ मेहनत ये बच्चा करता है, इतना काम मैंने इनको करते देखा है, सुबह से रात तक बिना किसी इंसेंटिव के, ये सराहनीय है, ज़ोरदार तालियों के काबिल है। और अगर शिष्य ऐसा है तो गुरु कैसा होगा, उससे भी ऊपर है विष्णु जी, जिन्होंने इतनी बड़ी इतनी शानदार टीम बनाई, जो शायद चितरंजन में किसी दिन शुरू हुई थी, आज चलते 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 इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए बनपुर जैसे छोटे शहर में। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में सिर्फ बनपुर ही नहीं, चितरंजन ही नहीं, पश्चिम बर्धमान ही नहीं, पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरे देश में अल्फा ग्रेड का झंडा लहराएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और ये सारा झंडा उठाने का काम इन बच्चों के हाथ से। इन शब्दों के साथ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आपका बहुत लंबा प्रोग्राम है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि विशेष रूप में किसी तरह की कोई इंजरी किसी को ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उसे हमें ध्यान देना है। हम यहाँ सीखने आए हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए हैं, तो हमें प्रेम भावना से इसको एज अ स्पोर्टिंग खेलना है। और इसी के साथ आज के इस टूर्नामेंट की उद्घाटन करते मैं हम सब मिलकर आप सब की तरफ से मैं आज के टूर्नामेंट की उद्घाटन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। आज हम लोगों का बनपुर में फिफ्थ इन्विटेशनल कराटा चैंपियनशिप हो रहा है। इसमें हम लोगों का जिला एवं दूसरे जिले का लेके लगभग 135 बच्चे लोग भाग लिया ये कराटा चैंपियनशिप में, और अभी तक ये कराटा चैंपियनशिप चल रहा है और बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। ये कराटा चैंपियनशिप कराने में जो दो संस्था के मिली जुली प्रचेष्टा है वो है अल्फा ग्रीप एंड फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन। और आने वाले दिन में हम लोग ऐसे इवेंट और कराते रहेंगे, और इसमें छोटे छोटे बच्चे लोगों को उत्साहित देख के, इतना उत्साहित देख के मुझे भी बहुत आनंद हो रहा है। बहुत दूर से उसका पेरेंट्स लोगों को लेके आए हैं। इसमें हम लोगों का, बच्चे लोगों का जैसे शारीरिक और मानसिक गठन होगा, वैसे वो लोग और भी अच्छे ढंग से समाज को हेल्प भी कर सकेंगे। क्योंकि आप अगर अच्छे खिलाड़ी है तो आप एक अच्छे ह्यूमन भी बनेंगे, अच्छे बनेंगे। और होप सो हम लोग आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे फर्स्ट केयर।
चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम है चंदन प्रामणिक, मैं एक डीएवी मॉडल स्कूल केएसटीबी का फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ और मैं फर्स्ट केयर चैरिटेबल फाउंडेशन का खेल खिलाड़ी का चेयरमैन हूँ। आज की खबरें बस यहीं तक, इसी तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज। नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।